अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने मिनी जू में आ गए और आज का हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले इन नन्हे मुन्ने चिक्स को ना निकाल लेते हैं, चूचू मुचू को। ये देखें बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमें बाहर निकालें, हम हंगामा करें। तो चले इनको निकाल देते हैं ताकि ये खाएं पिए। माशाल्लाह चेक करें, ये ले इन असील, इन असील को भी निकाल देते हैं मास्टर के, मास्टर के लिए। आज इनका तीसरा अंडा हो गया। चलें तुम भी आ जाओ भाई बाहर, मुझसे क्यों डर रहे हो, चलो बाहर निकलो। ये ले दोस्तों, ये सब परिंदे आजाद हो गए, निकाल दिया इनको बाहर। और इनको दाना और डालना और इनका पानी चेंज करना है बस। इनको बाहर निकाला ना तो इन सब ने आपस में फायर करना शुरू कर देनी है, तो इससे बेहतर है कि इन्हें अंदर ही रहने देते हैं। चले इन दोस्तों इनको पानी डाल देते हैं, इन असील मुर्गों और कुकरी को, तो इनका दाना चेंज कर देते हैं। बाकी ये कॉकटेल, इनको भी दाना और इनका पानी चेंज कर देते हैं। ये हमारी न्यू पार्टनर आई है, ये चेक करें, ये ब्लैक मुर्गी के साथ रहेगी, ये उसके लिए लेके आए। सबसे पहले ना इनका पानी चेंज कर देता हूँ, ये वाला। ये देखिए कितना ये गंदा हो गया, इसे साफ कर देते हैं। ये भी साफ हो गया, चलो अंदर अंदर चलो। अब इनका पानी इसमें डालते हैं, इस बर्तन में खूब मज़े से पियेंगे। ये देखें इनके काम कैसे हैं, ये नीचे आए मुझे लाइट फ्लाइट करें। चल अंदर अंदर है, बदमाशी नहीं करनी है इनमें। की क्या बदमाशी नहीं करनी, समझाया ना तेन, चुप करके अपनी मस्ती च रह। इनके काम चेक करें, आपस में मस्त बदमाशी कर रहे हैं। ये पाइप को बड़ी क्यारी में रख देते हैं, पानी आता रहेगा। अब ये ले, ये दाना थोड़ा सा ये ले लेते हैं, ये इनको डालते हैं। बाकी इनके लिए तरबूज भी लेके आया हूँ, वो भी इनको देते हैं, वो भी बड़े शौक से खाएंगे। इन्हें भूख काफ़ी लगी थी। मेरी सलाह है इसे भी ओपन करते हैं, ये देखें वो जाना चाह रही है। चलो जी अब आएगी। उसे ना रास्ते का पता नहीं चल रहा। इस तरह करते हैं, ये दाना लेते हैं और ये मैंने दाना रख दिया, अब वो उधर जाएगी। चले जाओ 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 जाओ, चले जाओ चले जाओ। दरवाज़ा भी बंद होना शुरू हो गया ना।
खटिया लगी। ये दरवाजा मैंने खोल दिया, इधर बाहर आ, चलो बाहर, चलो 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 चलो। चले ये जा रहे, ये हो गई अपने काम चेक करें, आपस में फाइट करना शुरू कर दिए। चले अब इनका इनकी आपस में हो जाएगी सुलह आस्ता आस्ता। तो कैमरे को बंद कर देते हैं दोस्तों, इनके काम चेक करें, आपस में ही लड़ाई फाइट करना शुरू कर दिए। लेकिन अब इसको मैंने नीचे छोड़ दिया यार, इसे ये देखें, इसका ना आपको शायद नजर है, सार के ना सारे भाल इन्होंने खींच दिए आपस में, ये थे फाइट की है। तो चले कोई बात नहीं, इसको लैदा शिफ्ट कर देंगे, उनको लैदा शिफ्ट कर देंगे, ब्लैक को नीचे के नीचे इसके साथ शिफ्ट कर देते हैं ना, ताकि आपस में इनकी बन जाए, तो फिर सारा काम सेट हो जाएगा। ये मैं इनके लिए तरबूज लेके आया हूँ, ये तरबूज डाल देते हैं सबको। ये भी बेचारा हमारा थोड़ा सा ना सुस्त है, तो कोई बात नहीं, सभी मेडिसिन दिए सही हो जाएगा। आज है मॉन्स्टर डक, ये खाएं तरबूज खाएं, एंजॉय करें। आजो 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 आजो, ये ले ले, आजे आजे आजे, कोई डरने की कोई बात नहीं है, आए चुचू मुचू आप भी आए, आजे आजे, ये नहीं वो नई पार्टनर के देखो क्या कर ट्राई करेंगे माशाल्लाह। ये चेक करें मॉन्स्टर डक कितने शौक से तरबूज खा रही है, हैं अच्छा। बाकी जो ये तरबूज बच गए हैं ना, ये इन दरिंदों को दे देते हैं, चवल को, जिन्होंने जो बदमाशी करते हैं। चलो जी ये ले बदमाश हो, आ जाओ खा लो। चलो जी ये देखिए कितने शौक से खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उधर फाइट शुरू हो गई जी, मुर्गी और दोनों मुर्गियों की, ये देखिए इनके काम चेक करें, आपस में फाइट करना शुरू कर दिया। तो इनको सबसे पहले पकड़ लेते हैं जल्दी जल्दी, तुम्हें कहा इधर रह, उनके साथ ना बदमाशी कर, फाइट ना कर, ये ले तरबूज खा, ये ले ये खा, ये प्यार से खा, इसे कोई भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा। इसने खुद का अपना राज आप ही करना, जारी सी बात है, डरना नहीं, खा खा खा, एंजॉय कर। चलो दोस्तों अब हम अपने कॉकटेल को पानी डाल देते हैं, इनका दाना चेंज कर देते हैं। ये ले ये जो दाना ना वेस्ट हुआ, ये हम इधर डाल देते हैं, हमारी मॉन्स्टर डक खा लेंगे, चूचे खा लेंगे, ये सब ये देखो। बाकी इनका दाना मैं लेकर आता हूँ, वो चीज कर देते हैं। अब इनका दाना लेकर आता हूँ, उधर साइड पे रखा होगा, वो डालते हैं इसको। ये नहीं, ये इनका दाना आ गया काकटेल का, अब सारा इसमें शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। बाकी लव बर्ड को भी डालना है, तो उम्मीद है कि इतना बहुत है इनको, ये शौक से खाएंगे। चले भैया आ जाए, आपके लिए खाना आ गया सुबह का, तो खाएं। और अब इनका पानी चेंज करना है, वो कर देते हैं चेंज। ये लो ये जो पानी उन्होंने गंदा किया हुआ ना वेस्ट, इसको ज़ाया करते हैं, तो फिर इसमें पानी डालते हैं, वो चेक करें। खाना खाने के लिए आ गए हैं, आपको ये देखिए माशाल्लाह। तो बाकी दो अभी नहीं आए, वो भी आ जाएंगे, एक तो कैबिन के अंदर ही बैठा हुआ है ना,
अपने अंडों को इनक्यूबेट कर रहा है। पहले चेक किया था आपने, वीडियो में देखा ही है कि एक और शायद दो अंडे एक दिया था उस दिन, तो अब ज़्यादा हो गए होंगे। तो चलें इनका पानी चेंज करते हैं। ये लें, ये क्यारी भी पानी के साथ में फुल हो गई है आधी। पानी मैंने इसके अंदर छोड़ दिया था और बहुत अच्छी बात है कि पानी का ये तो हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया ना। पहले काकटेल को पानी डाल देते हैं, ये प्यासे होंगे पानी पिएंगे। ये ले जी, ये पानी भी कंप्लीट हो गया। तो बाकी जो पानी है इधर क्यारी में छोड़ देता हूँ, आधी क्यारी इधर से फुल हो जाएगी। ये रह गए हैं, और ये चेक करें हमारे ना बैंगन के प्लांट्स पौधे कितने हेल्दी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये है, एक ये है, एक दो, ये तीन है, ये चार पाँच छः सात आठ पौधे हैं यार। इनके काम चेक करें, आपस में इनकी फाइट ही नहीं मुक रही, फिर फाइट कर रहे हो देख। मैंने इसको इसके कैबिन में शिफ्ट अप कर दिया, पता नहीं क्या बात है इनकी आपस में बनती की होने। वो देखिए काम चेक करें, बस अंदर शिफ्ट किया है, किसी तरीके से अब इसे बाहर निकाल दें मार के, क्योंकि इधर अंडा जो देती है ये। तो करते हैं ये है कि इसको इस इधर से उठा के ना वो एंड वाले जोन से ना कैबन उसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं। यही हाल है दोस्तों, अब और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। जब इनको आज़ाद करेंगे तो ये फाइट करेंगे, अगर उसके साथ शिफ्ट करते हैं इनके साथ तो इन्होंने ये बदमाशी करनी है। तो बेहतर है कि इसे उधर ही शिफ्ट कर देता हूँ। चल तू ना इत्थे रह, बाहर रहेंगे ना तो लड़ाई करते रहेंगे सारे ने बेचारे तेन मारना, बेहतर है तू इत्थे रह, ठीक है ना। ये अब तुम्हारे लिए परफेक्ट जगह, ना तो मैं कोई तंग करे ना कोई डिस्टर्ब, एक ही बात होगी डिस्टर्ब और तंग की। चलें आप अपनी मर्जी से यहाँ इंजॉयमेंट कर जिस तरह मर्जी, ठीक है, खुश रहा। अब ऊपर जाने की ना सोच तो फिर अब ऊपर चले जाना है, नीचे रह। और तुम्हें सरप्राइज देता हूँ, तुम्हारे साथ एक और पार्टनर लेकर आता तुम्हारा जो ऊपर है। चलें दोस्तों इसको तो अंदर छोड़ दिया, लेकिन फिर ये सोच रही है कि मैं ऊपर काकटेल के पास चले जाऊँ, तो इसे चली जाना जैसे वो देखें जाने का सोच रही है। चले इतनी देर ये क्यारी फुल हो जाती है पानी के साथ, तो हम अपने लवबर के पास देखते हैं जाते हैं, उनको देखते हैं उनकी सूरत हाल क्या है, उनको पानी देते हैं, उनका दाना चेंज करते हैं। ये ले दोस्तों हम अपने लवबर के पास आ गए हैं, तो ये देखें कितने खूब इंजॉय कर रहे हैं। चलें अब इनका दाना इनको डाल देते हैं और इनका पानी चेंज कर देते हैं। मैंने ना दो बर्तन रख दिए पानी के, ये एक छोटे बर्तन को पानी में बहुत जल्दी गंदा कर देते थे, तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि दो बर्तन ले आते हैं, दोनों में ही पानी डाल देते हैं, दोनों ही देखें कितने गंदे हो गए, ये भी और ये भी। हालांकि शाम को मैंने दो दफ़ा चेंज भी किया है, गर्मी है, गर्मी में नहाएंगे। और सूरज देखें कितना ज़्यादा निकला है, तो आज ना इनके लिए वाटर कूलर लेके आते हैं। वाटर कूलर क्या है, कूलर हवा वाला कूलर नहीं होता जिसमें पानी डालते हैं, वो इनके लिए लेके आते हैं ताकि इनको अच्छे तरीके से प्रॉपर हवा मिलती रहे। गर्मी बहुत है कि ये ना हो क्योंकि इन्हें और ही मसला बन जाए। तो इनको खुशखबरी देते हैं, ये उस कूलर जब लगेगा इंजॉय करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है। ये छोटे में पानी डाल दिए, अब रहेगी बारी इसकी बड़े की, इसको पानी डाल देते हैं। ये ले दोस्तों इस बर्तन में भी पानी डाल गया और इस बर्तन में भी। अब इनके दाने वाले ट्रे को उठा लेता हूँ, जो जाया किया है वो इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो चलो ये भी खाते ही रहते हैं, बाकी इस ट्रे में पानी दाना वो डाल देते हैं। ये नहीं
इतना दाना इनके लिए बहुत है, तो शौक से खाएंगे। ये चले जी, आपके लिए सुबह का खाना आ गया, खाएं एंजॉय करें। टमाटर वगैरह कलर करने हैं वो कर लेते हैं, और पानी भी देना है इनको, वो पानी भी दे देते हैं साथ। ये ले, एक दो तो इधर है ना। अब टमाटर के पौधे भी खुश्क होना शुरू हो गए हैं गर्मी के साथ। ये ले दो, ये चेक करें, दो इधर, चार हो गए। बाकी अब कोई चीज़ लेनी पड़नी है, बर्तन, क्योंकि हाथ में तो अब आने नहीं सारे। ये ले, ये एक बर्तन ले लिए, इसमें टमाटर सारे कलेक्ट कर लेते हैं, इसको रखते हैं इधर। तो चलें, अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें दोस्तों, एक प्लांट्स में कितने सारे निकले हैं। ये चार तो लैदा थे, बाकी ये सारे इधर से निकले हैं, और कुछ ये लगे हुए हैं, एक ये और एक ये तो ख़राब ही है, इसको वेस्ट कर देते हैं। सिर्फ एक इधर असल हुआ है, बाकी ये अभी तैयार ही नहीं हुए। चलें, जब जिस तरह तैयार होंगे इनको भी कल हासिल कर लेंगे। अब जाते हैं भरी क्यारी में। ये लेंगे हम आ गए हैं भरी क्यारी में, इधर देखते हैं कि कितने हमें टमाटर और मिर्चें मिलती हैं। एक टमाटर ये है, ये ले, दो, अब कुछ मिर्चें हैं, देखते हैं कितनी मिलती हैं, उनको हासिल करते हैं। चेक करें कितनी ज़्यादा निकलाई हैं, अभी काफ़ी हैं, वो भी देखते हैं कितनी मिलती हैं। एक ये ले दोस्तों, चेक करें कितना ग्रीन मसाला मिल गया हमें। तो ये भी सब हांडी में डालने के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, एक दो दिन इससे निकल जाएंगे, उतने में और तैयार हो जाएंगे। तो चलें इनके लिए कूलर लेके आएंगे। बाकी सब मैंने सबको दाना पानी डाल दिया, थोड़ा सा और खूब खाने देते हैं, इंजॉय करने के बाद फिर जाते हैं। हाँ, साथ उतनी देर ये खा लेते हैं, और जिन पौधों को दोस्तों पानी देना उनको पानी दे देते हैं, और इस मुर्गी को भी पानी डाल देते हैं। ये ले, ये कॉक ऑन कर लेते हैं। ये लो न्यू पार्टनर, तुम्हारे लिए पानी आ गया, अब पेट भर के पानी खा लेना। मैंने दाना उधर डाल दिया, अब ये पानी रहता था, पानी डाल रहा हूँ, और कुछ ये पौधों को पानी दे देते हैं। ये न्याजबोग के जितने ये छोटे छोटे प्लांट है ना, ये न्याजबोग के हैं, तो इसे करी, इसे करी पत्ता भी बोलते हैं, करी में डालें, बहुत अच्छा इसका जायका बनता है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। वैसे भी इसके ऊपर ना मच्छर नहीं आता, ये घर में एक पौधा लगा हो ना, मच्छर भी नहीं आएगा, इसकी जितनी खुशबू है ना बेहतरीन। वैसे तो खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी है, और दूसरा मच्छर से भी महफूज रहता बंदा। माशाल्लाह, ये चेक करें दोस्तों, नार आगे से भरे हो गए हैं थोड़े से, ये देखिए काफ़ी भरे हो गए। ये चेक करें। ये ले दोस्तों, सब पौधों को पानी मिल गया, इसको भी दे दिया। तो अब जितने परिंदे हैं ना, उनको मास्टर केज में शिफ्ट कर देते हैं, चूचे वगैरह को, चूचे मुचे को, क्योंकि भरे मुर्गे और मुर्गियों को मैंने शिफ्ट कर दिया था आपके पानी देते देते। तो अब इन सब को शिफ्ट करना है, चूचू मुचू को, तो चले इनको शिफ्ट करते हैं।
तो फिर बाद में हम पानी वाला कूलर लेके आते हैं जो इनको लगाना है। एक तो काकेल को लगाएंगे और एक लाभ बर्ड को लगाएंगे इंशाल्लाह। ये दोस्तों इन्होंने ना अंडा दे दिया न्यू पार्टनर जो लेके आए थे, कल इसने नागा किया था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी मैंने चेक किया। और ये देखें एक अंडा इन्होंने दे दिया, इसके अब 3 अंडे हो गए हैं। तो नीचे वाली मुर्गी ने अभी अंडा नहीं दिया तो वो देखें वो साइड पे देती है इधर, लेकिन इसने अभी तक नहीं दिया, चले आने करीब वो दे देगी। तो मैं जाने लगा था कूलर लेने के लिए इनके लिए, तो सबसे पहले अंडा इनका कलेक्ट कर लेते हैं फिर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों कूलर आ गए, ये चेक कर लें। ये ले गए हम काकेल के लिए ना कूलर ले आए हैं मिनी कूलर, तो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह हमारे लव बर्ड और काकटेल दोनों स्पेशली तौर पे। तो आप इनको लगा के चेक कर लेते हैं वो कितने खुश होते हैं इनके साथ। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भी ये छोटा सा कूलर का सरप्राइज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। अच्छा इसको अब ना अपने लव बर्ड के पास लगा देते हैं इस साइड पे, यहाँ बेस्ट रहेंगे तो खूब ये इंजॉय भी करेंगे। चेक करें कितनी गर्मी है, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत खुशी महसूस करेंगे। सबसे पहले यहाँ इनके लिए ना कूलर के लिए जगह बना लेता हूँ। ये ले दोस्तों कूलर को सेट कर दिया, बस अब रह गया इसका कनेक्शन और 12 वोल्ट सप्लाई लेके आए हैं उसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले 12 वोल्ट के अडाप्टर की ना कनेक्शन केबल लगा देते हैं, सारा कुछ रेडी करके फिर इसको ऑन करते हैं। तो फिर देखते हैं कि हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। यार दोस्तों ये है 12 वोल्टेज, इस तरह की ये सप्लाई है। तो इसको इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये ले दोस्तों अब सिर्फ इसका कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करने के बाद फिर ऑन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों कूलर को ऑन कर लिया, तो ये देखें माशाल्लाह वो देखिए कितने शौक से इंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल कूलर के फ्रंट पे बैठे हैं। अब ये देखें ये बर्फ़ ले आए हैं हम इनके लिए, ये ओपन कैबिन बना हुआ है इसके अंदर ना रख देता हूँ। ये हिस्सा है इसके अंदर बर्फ़ रख देते हैं। ये ले मैंने दोनों पीस इसके अंदर डाल दिए, एक ये बच गया, ये दूसरे कूलर में लगाएंगे। फ़िलहाल इसमें 2 भरे हैं और अब इसमें पानी को डाल देते हैं उसके अभी ये चले और मज़ीद ठंडी हवा आने को आए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों चेक करें कितने मज़े से ना ये देखिए कूलर के सामने बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं और हल्की हल्की ठंडी हवा इनको लग रही है। तो चलें उम्मीद करता हूँ आज की हमारी आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें। और अपने ये कॉकटेल वाला लाया गया, एक ये कूलर रह गया कॉकटेल का, तो अब इसका प्रॉपर स्टैंड बनाएंगे यहाँ। स्टैंड बनाने के बाद फिर इधर इनको ना तैयार करेंगे।